हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साउथ इंडिया में श्रावण मास चल रहा है, तो आज फर्स्ट फ्राइडे है उसका। यहाँ पे फोर फ्राइडेज या फाइव फ्राइडेज जितने भी होते हैं वो मनाते हैं, तो सेकंड फ्राइडे बहुत स्पेशल होता है। तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारे जो मुझे इन्वाइट करते हैं, तो मैं चली जाती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ नहीं जाना। तो सारे रिलीजियंस को हम लोग मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, वो हमारे मतलब कि हमारे घर से ही आया है, तो हर चीज़ को रिस्पेक्ट देना सिखाया है, फैमिली से ही आ गया वो। तो मैं ज़रूर जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के घर और आपसे भी वो शेयर करूँगी हमारे साउथ इंडिया का कल्चर। तो नेक्स्ट वीक है बहुत बहुत स्पेशल सबके लिए, क्योंकि ये है त्योहारों से भरपूर अगस्त पूरा। तो हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है, बाकी रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं और भैया बहनों का भी फेस्टिवल है रक्षाबंधन। तो किचन में तो खाना वाना बनता ही रहता है, स्पेशल स्पेशल रेसिपीज़ बनती हैं, स्वीट्स बनती हैं और प्यारे प्यारे रेसिपीज़ हम लोग ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो उनके रखने के लिए जगह चाहिए होती है और ज़्यादातर टाइम हम लोग किचन में स्पेंड करते हैं, तो इसके लिए किचन थोड़ा सा काउंटर को हम लोग को खाली रखना चाहिए। तो वही मैंने आज अपने किचन में चेंज किया है, थोड़ा सा अपना किचन काउंटर को खाली किया है और किस तरह से अरेंज किया है मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको। और कल मैं आपसे मिलूँगी एक बहुत बहुत प्यारे और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आप ये देख लीजिए और पसंद आ गया अगर तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर लीजिए। तो लेट्स गो एंड सी व्हाट आई हैव डन द चेंजेस इन माय किचन, लेट्स गो। यहाँ पे दो शेल्स में फ्रेंड्स मेरे स्टील के बर्तन हुआ करते थे, तो मैंने उनको जो एक्स्ट्रा है वो स्टोरेज बॉक्स में रख दिया है और बाकी के जो अलमीरा में रख दिए हैं, तो वहीं से यूज़ करेंगे हम लोग अब। तो थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत थी क्योंकि बहुत सारा सामान है, तो उसको मैंने ठीक से फिर से अरेंज किया है। तो जो क्रॉकरी है वो फर्स्ट शेल्फ में रखी है, और जितने भी पूरे स्पाइसेस हैं एक रैक में मैंने अरेंज कर दिया है, और ये जो यहाँ पे जो भरनियाँ हैं वो नीचे रख दी हैं, और एक और रैक जो था मैंने वहाँ पे उसमें कप्स और अपने जो कुकीज़ पास्ता और थोड़े से जो जार्स जिसमें मैं कुछ स्टोर करती हूँ स्नैक्स वगैरह, वो उस साइड रख दिया है। तो ये जो पूरा किचन काउंटर है यहाँ का वो पूरा खाली हो गया है। फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर बताना कि कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये जो मैंने चेंज किया है। और मेरा तो मतलब कि जो सोचना ठीक ही था कि मुझे ये जो स्पेस चाहिए थी, क्योंकि बर्तन वगैरह रखने पड़ते हैं, जो कुक करते हैं चीज़ें रखने के लिए जगह चाहिए होती है, और ज़्यादातर टाइम यहाँ स्पेंड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा खाली स्पेस चाहिए होता है। तो मैं हमेशा मतलब कि 1 मंथ या 2 मंथ्स में थोड़े थोड़े चेंजेस करती रहती हूँ अपने किचन में या अपने घर में, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा चेंज करना। तो देखिए स्टील के डिब्बे मैंने इस साइड रख दिए हैं इस बार, पहले वहाँ रहा करते थे जहाँ पे मैंने सेरामिक की चीज़ें रखी हैं, और नीचे यहाँ पे देखिए बहुत सारी जगह आ गई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी पूरा कंप्लीट तो मैंने सजाया नहीं है, तो थोड़ा सा और बाकी है ऊपर जो वो धोने डाले मैंने बर्तन, तो धोने के और सुखाने के बाद मैं उसको अरेंज करूँगी। तो कल मैं फिर से आपसे एक बार शेयर करूँगी। देखिए वेजिटेबल्स का जो परात मैंने ड्रम पे ही रख दिया, अभी उसको मैंने नहीं रखा फ्रिज में, बहुत सारा काम बाकी है और
और बहुत सारा काम है क्योंकि नेक्स्ट वीक पूरे फेस्टिवल्स होने वाले हैं, तो इसलिए ये सारी तैयारी हो रही है। तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करना कि आपको कैसा लगा।